أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، जिन तीन बातों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, उनमें से एक अल्लाह की मारिफत है। नंबर दो दीन की मारिफत है, अल्लाह की मारिफत और दीन की मारिफत के हवाले से साबिका क्लासों में कुछ अहम और बुनियादी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरी बात जिसका इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत के लिए आपकी सीरत की मारिफत बहुत ज़रूरी है। मारिफत के माने जानकारी के हैं। तो नबी की मारिफत के लिए नबी की सीरत को जानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है। आज की क्लास में कुछ बातें इंसानी तारीख के हवाले से आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। इंसानी तारीख का जानना क्यों ज़रूरी है? अहलुस्सुन्ना वल जमाअ का तमाम अंबिया इकराम से मुतालिक ये अकीदा है कि तमाम अंबिया इकराम इंसान थे, तमाम अंबिया बशर थे। किसी भी नबी को रुबूबियत और उलूहियत के इख्तियारात हासिल नहीं थे। सब का ताल्लुक आदम अलैहिस्सलाम से है, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो इसी बिना पर आज की क्लास में कुछ बातें जैसे मैंने कहा इंसानी तारीख के हवाले से मालूम करेंगे। फिर इसके बाद बिल इख्तिसार आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए, जितने भी अंबिया और रसूल आए, बिल इख्तिसार तफसील में नहीं जाएंगे, उनके बारे में भी कुछ बातें हम लोग एक दर्स में पढ़ लेंगे। जो हमारा जो तीसरा दर्स है, तीसरे दर्स से इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगाज़ हो जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इंसानी तारीख के हवाले से गुफ्तगू की है। अल्लाह ने फरमाया वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, अभी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई,
अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं किए गए। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं एक ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, जानशीन बनाने वाला हूँ, यानी एक ऐसी कौम को पैदा करना चाहता हूँ जिसकी एक नस्ल दूसरी नस्ल के बाद आती रहेगी। लफ्ज़ खलीफा में इस बात की तरफ इशारा है कि इस मखलूक में तवालुद और तनासुल का सिलसिला जारी रहेगा, यानी औलाद रहेगी, नस्ल बढ़ेगी। लफ्ज़ खलीफा में इस बात की भी वजाहत है कि इस मखलूक के लिए ज़मीन में दवाम और हमेशगी नहीं है, वो मरते रहेंगे, उनकी अगली नस्ल उनकी जानशीन होती रहेगी। शख्स अल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ مَنْ وُلِدَ بَقِيَ لَذَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, अगर पैदा होने वाला हर बच्चा बाकी रहता, जिंदा रहता, तो दुनिया अपनी कुशादगी के बावजूद तंग हो जाती। मजीद लिखते हैं, अगर पैदा होने वाला हर बच्चा बाकी रहता, जिंदा रहता, दुनिया के हालात बिगड़ जाते, छोटे बड़ों की शफ़क़त और उनकी निगरानी से महरूम रहते। तो अल्लाह ने फरमाया, वَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, खलीफा भेजने वाला हूँ। इस आयत से और एक बात भी वाज़े हुई, अल्लाह ताला का ये तयशुदा अम्र था, अल्लाह का ये तयशुदा फ़ैसला था कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में बसाना है। जन्नत में रहने के लिए आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे। कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफे से मुराद है सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि पूरी नौए इंसानी है। इसकी दलील इसी आयत का बाद वाला हिस्सा, जब अल्लाह ने कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा, अतजअल फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू उसको बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून रेजी करेगा। तो मालूम हुआ ज़मीन में फसाद और खून बहाना ये आदम अलैहिस्सलाम का काम नहीं है, बल्कि औलाद आदम का काम है। तो खलीफा से मुराद सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि पूरी नौए इंसानी है, इसलिए कि फसाद और कत्ल ये आदम अलैहिस्सलाम का काम नहीं है, बल्कि उनके औलाद का काम है। फरिश्तों ने ये जो बात कही, अतजअलु फीहा, क्या तू इसमें उसको बनाएगा जो फसाद करेंगे और खून रेजी करेंगे, फरिश्तों का ये कहना हसद या एतराज़ की बिना पर नहीं था, बल्कि इंसान की पैदाइश की हिकमत मालूम करने के लिए था। तो फरिश्तों ने कहा, ऐ रब, इस मखलूक को पैदा करने की हिकमत क्या है, जबकि इनमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो फसाद फैलाएंगे, खून रेजी करेंगे। ज़मीन की खिलाफत इनके हवाले करना समझ में नहीं आता है, इसकी हिकमत हमें समझ में नहीं आती है। अब यहाँ एक सवाल ये रह जाता है ज़ुर्रियत आदम के बारे में, आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत के बारे में, फरिश्तों को कैसे इल्म हुआ कि वो फसाद करेंगे? ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम से मुतालिक फरिश्तों को इल्म कैसे हुआ कि वो फसाद करेंगे? मुफस्सिरीन ने इस एतराज़ के या इस शुबहे के कई एक जवाब दिए हैं। पहला आसान सा जवाब ये है कि अल्लाह ने ख़ुद उन्हें बताया होगा, क्योंकि इसी सूरत में, बल्कि इसी रुकू में आगे अल्लाह ने फरिश्तों का कौल नकल किया है।
फरिश्तों का कौल क्या है? ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। मुमकिन है कि अल्लाह ने फरिश्तों को ये बात बताई होगी। यह बात मुफस्सरीन ने लिखा है, ये भी मुमकिन है कि फरिश्तों ने इंसान के बारे में इस अंदेशे का इजहार उसके खलीफा होने की बिना पर किया हो, इसलिए कि खलीफा के अंदर ये बात छुपी हुई है कि उसको एक ख़ास हद के अंदर इख्तियार दिया जाएगा। लफ्ज़ खलीफा के अंदर ये बात छुपी हुई है कि उसको एक ख़ास हद के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियारात सौंपे जाएंगे। फरिश्तों ने महसूस किया कि इख्तियार को इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है, इसको पाकर इंसान बहक भी सकता है, इसका नतीजा फसाद और खूनरेजी है। तो लफ्ज़ खलीफा से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया। तो लफ्ज़ खलीफा में ये बात पोशीदा है कि उस मखलूक को एक ख़ास हद के अंदर इख्तियारात अता किए जाएंगे। तो जिन और इंस ये दो ही मखलूकात हैं जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, वो अपने इस इख्तियार का चाहे तो गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, मुमकिन है कि फरिश्तों को इसका अंदाज़ा इंसानी मखलूक से पहले की मखलूक से इंसान की मखलूक से पहले की मखलूक के आमाल से हुआ हो। ज़मीन में जो है ना, इंसानों से पहले जिन्नात आबाद थे, तो अल्लाह ने फरमाया मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। मुफस्सिरीन ने कहा कि मैं जिन्नात का खलीफा बनाने वाला हूँ, इसलिए जब इंसान दुनिया में आए तो जिन्नात को जो है ना जंगलात पहाड़ियों की तरफ भगा दिया गया, तो जिन्नात का वारिस बनाया गया है। ये भी एक कौल है मुफस्सिरीन का। खलीफा, खलीफा किसको कहते हैं जो एक के बाद आए, जैसे अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा कहा जाता है, नबी के बाद अबू बकर खलीफा है, उमर ये अबू बकर के खलीफा हैं, उस्मान ये उमर के खलीफा हैं, अली ये उस्मान के खलीफा हैं, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। खैर चले आगे बढ़ते हैं। फरिश्तों ने कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी हमद के साथ तस्बीह और तकदीस करते हैं। अगर इस मखलूक को पैदा करने से मकसूद तेरी इबादत हो, तेरी तस्बीह और तकदीस हो, तो हम इसके लिए मौजूद हैं। तस्बीह और तकदीस और तहमीद हर वक्त हमारी ज़बानों पर जारी है। अल्लाह ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। व अल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा, इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सब के सब नाम सिखा दिए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखला कर ये वाज़ह कर दिया कि ज़मीन की खिलाफत के लिए सिर्फ तस्बीह और तकदीस काफ़ी नहीं है, बल्कि इल्म असमा ये भी ज़रूरी है। इल्म की बुनियाद जो है किसी भी चीज़ के नामों की मारिफत से है। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखलाए, तो अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि ज़मीन की खिलाफत के लिए सिर्फ तस्बीह और तकदीस काफ़ी नहीं है बल्कि इल्म ज़रूरी है। अल्लाह ने वो इल्म किसे दिया? आदम अलैहिस्सलाम को दिया। थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर ये सारी चीज़ें किनके सामने पेश की गई? फरिश्तों के सामने पेश की गई। फ़क़ाल, अल्लाह ने कहा अंबिऊनी भी असमाई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम मुझे बताओ। फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू सुभानक, ऐ परवरदिगारा तू पाक है, तूने इस मखलूक को खलीफा बनाने का जो इरादा किया है तेरा इरादा बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, आप हर ऐब और नक्श से पाक हैं।
आपने जो भी इरादा किया है उसके मुताबिक किसी भी किस्म का सवाल उठाना ये गलत है। सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कुछ इल्म नहीं है मगर जो तूने हमें सिखाया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, यकीनन तू जानने वाला और हिकमत वाला है, तो अलीम भी है और हकीम भी है। आपका कोई भी इरादा कोई भी फ़ैल हिकमत से खाली नहीं है। अगर किसी मुसलमान को किसी शरी हुक्म की इल्लत और हिकमत समझ में ना आए तो इंसान को चाहिए कि अपने अकल को कसूरवार ठहराए, न ये कि शरीयत के उस हुक्म को ठुकरा दे, क्योंकि अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी है। अल्लाह का हर हुक्म ये इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई हिकमत है। फिर अल्लाह ने कहा या आदम अम्बिहुम बि अस्माइहिम, ए आदम इन चीज़ों के नाम फरिश्तों को बता दो। फलम्मा अम्बअहुम बि अस्माइहिम, चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों के नाम फरिश्तों को बतला दिए तो अल्लाह ने फरमाया قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक मैं आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। وأعلم ما تبدون وما تكتمون, और जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। अब इसके बाद وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, जब आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फजीलत फरिश्तों पर जाहिर हो गई तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत इल्मी का एतराफ़ करवाने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। देखिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जिस सजदे का हुक्म दिया है, इस सजदे से मुराद सजदे इबादत नहीं है, सजदे इबादत नहीं है बल्कि सजदे तादीमी है। यहाँ शेख सालेह उस्मैन रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी उम्दा इबारत है। शेख सालेह उस्मैन रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं अन्न सुजूद लिगैरिल्लाह इज़ा काना बिअम्रिल्लाह फहुवा इबादा, गैरुल्लाह के लिए सजदा करना अगर अल्लाह के हुक्म से हो तो ये इबादत है। गैरुल्लाह के लिए सजदा करना अगर अल्लाह के हुक्म से हो तो ये इबादत है। लिअन्नल्लाह तआला अन यहकुम बिमा यशा, अल्लाह ताला अपने बंदों को जिस बात का चाहे हुक्म कर सकता है। और मजीद लिखते हैं इसी तरह हराम काम अल्लाह के हुक्म से किए जाएं तो ये भी इबादत है। जैसे अल्लाह ताला ने कत्ले औलाद से मना किया है लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़बह करें, तो हराम काम अगर अल्लाह के हुक्म से किए जाएं तो फिर ये इबादत है। मूसा और खिज़र के वाक़े में भी आपको मिलेगा, खिज़र ने क्या किया, एक बच्चे को कत्ल कर दिया, क्या कि मैं अपने तरफ से नहीं है अल्लाह के हुक्म से मैं कर रहा हूँ। ठीक है अन्न सुजूद लिगैरिल्लाह इज़ा काना बिअम्रिल्लाह, गैरुल्लाह के लिए सजदा अगर अल्लाह के हुक्म से हो तो ये इबादत है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसूल जहन में रखें। अल्लाह के हुक्म से अगर कोई काम किए जाएँ तो ये इबादत है, अल्लाह अपने बंदों को जिस चीज़ का चाहे हुक्म कर सकता है। फिर चलें आगे बढ़ते हैं। फसजदू, जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, फसजदू सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस फरिश्तों में था नहीं बल्कि सूरह कहफ आयत नंबर 50 में अल्लाह ने फरमाया कान मिनल जिन, जिन्नत में से था। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बारे में ये बात बयान की है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ताला फरिश्तों को अगर किसी बात का हुक्म दें तो वो नाफरमानी नहीं करते हैं। यफ़अलून मा युमरून, जिस बात का हुक्म उनको दिया जाता है उसको करते हैं। तो मालूम हुआ फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की मुखालफत नहीं करते हैं। अगर इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की
तो मतलब ये हुआ कि इब्लीस फरिश्तों में नहीं था। खुद अल्लाह ने सूरह कहफ में वाज़ कर दिया कि काना मिनल जिन, ये जिन्नात में से था। फसजदू, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबा, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया। इब्लीस के इनकार की वजह उसका तकब्बुर है। उसने तकब्बुर से कहा था अअसजुदू लिमन खलक तौकीना, कि मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया। इब्लीस वो पहला शख्स था जिसने अपनी अकल को वहीं पर मुकद्दम किया था। इब्लीस वो पहला शख्स है जिसने अपनी अकल को अल्लाह के हुक्म पर मुकद्दम किया था। अल्लाह ने जब हुक्म दिया आदम को सजदा करें, तो यहाँ अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं। तो इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में सबसे पहले अकल के घोड़े दौड़ाए। एक बंदे मोमिन को चाहिए कि उसकी जो अकल है ना, ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हो, अल्लाह के अहकाम को अपनी अकल के ताबे ना करें, बल्कि अपनी अकल को किताब और सुन्नत के ताबे करें। तो इब्लीस ने क्या किया, अपनी अकल को मुकद्दम किया। किस पर? अल्लाह के हुक्म पर। जब किसी मसले में हदीस हो तो वहाँ कियास चलेगा नहीं है। सबसे पहले जिसने कियास किया था वो इब्लीस था। सबसे पहले किसी मसले में दलील हो, दलील के रहते हुए कियास करना क्या है, गलत है। ला कियास मअ नस, किसी मसले में दलील के रहते हुए कियास करना गलत है। दलील के रहते हुए सबसे पहले कियास करने वाला कौन था? इब्लीस था। वकाना मिनल काफिरीन, और इब्लीस काफिरों में से हो गया। इब्लीस तर्क वाजिब की वजह से काफिर नहीं हुआ। वाजिब को तर्क कर देना ये कुफ्र नहीं है। इब्लीस के कुफ्र की वजह क्या है? उसने अल्लाह के हुक्म को ना पसंद जाना, अल्लाह के हुक्म को खबीह समझा, अल्लाह के हुक्म को उसने गलत बताया और एतराज़ किया। आपने अफजल को हुक्म दिया है कि गैर अफजल को सजदा करें। नवाकिद इस्लाम में आगे हम लोग पढ़ेंगे, नवाकिद इस्लाम में आगे हम पढ़ेंगे। शरीयत इस्लामिया से बुग्ज़ रखना ये क्या है? कुफ्र है। अल्लाह के किसी हुक्म से दिल में बुग्ज़ रखना ये कुफ्र है। तो इब्लीस के सजदा ना करने की वजह क्या है? अल्लाह के हुक्म को कभी समझना है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, हमने कहा ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। कहा उस्कुन रहो। उस्कुन इस लफ्ज़ में इस बात की तरफ इशारा है, जन्नत में आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जो क़ियाम था ना, ये आर्जी था, ये टेम्पररी था। अगर मैं अपना घर आपको दूँ, कहूँ कि आप मेरे घर में रहा करो, इससे मिल्कियत साबित होती है? नहीं होती है। तो अल्लाह ने कहा उस्कुन रहो, तो मतलब क्या है? टेम्पररी। अंत वज़ौजु कल जन्ना, तुम भी और तुम्हारी बीवी भी रहो। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में क्यों रखा, इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में इसलिए रखा ताकि वो जन्नत की नियामतों को अच्छी तरह देख लें, जन्नत की नियामतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो। दुनिया में आने के बाद दुनिया की आर्जी नियामतों को जन्नत के मुकाबले में खातिर में ना लाएं, दुनिया की आर्जी नियामतों को अहमियत ना दें, बल्कि दोबारा उस जन्नत में जाने की कोशिश करें। तो अल्लाह ने पहले ही जन्नत दिखा दी थी। इंसान जो है ना, इतनी एडवांस जन्नत देख करके आया है, इसलिए दुनिया में कितनी भी अच्छी उसको नियमत मिल जाए उसका जी नहीं भरता है उसको, इसलिए कि वो देख चुका है जन्नत, वो एडवांस जन्नत देख चुका है, नियमतों से भरी हुई जन्नत वो देख चुका है।
अभी एक एप्पल का फोन नहीं आया, फिर इंसान को हेरिस है ना, 14 आ गया तो 15 लेने की हेरिस, तो इंसान की हेरिस खत्म नहीं होती है। तो कहा अल्लाह ने वकुला मिन्हा रगदा, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, वकुला मिन्हा रगदा, तुम बाफरगत खाओ। रगदा अरबी जबान में उस रोजी को कहते हैं, रिस्क को कहते हैं जो बिला मशक्कत के हासिल हो, और वो इतनी ज्यादा हो उसके खत्म या कम होने का कोई खतरा ना हो। कहा बाफरागत खाओ, हाई सुशी तुमा, जहां कहीं से चाहो खाओ, यानी जन्नत का कोई खिता तुम्हारे लिए ममनू नहीं है, जिस हिस्से से खाना चाहते हो खाओ, जो खाना चाहते हो खाओ। वला तकरब हादिहि शजरा, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए उनसे कहा गया वला तकरब हादिहि शजरा, एक खास दरख्त की तरफ इशारा करके इस दरख्त के करीब ना जाना। वो दरख्त कौन सा है, किताब और सुन्नत में इसकी वजाहत नहीं आई है, तो इसीलिए इस दरख्त के पीछे हमको नहीं पढ़ना है। एक कोई दरख्त था, अल्लाह ने आजमाइश के लिए कहा वला तकरब हादिहि शजरा, फला दरख्त के करीब ना जाओ, ताकि आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हो जाए कि बाज़ आमाल ऐसे हैं जिनके इर्तिकाब से अल्लाह नाराज़ भी होता है। तो कहा गया फलां दरख्त के करीब ना जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा फलां दरख्त ना खाओ, बल्कि क्या कहा, करीब ना जाओ। तो मालूम क्या हुआ, जो चीज़ हराम है, हराम का ज़रिया बनने वाली चीज़ों से भी हमें बचना है। सिर्फ हराम से बचना नहीं है, बल्कि हराम का जो ज़रिया बनने वाली चीज़ें हैं उनसे भी बचना है। दरख्त के करीब जाना उस दरख्त को खाने का ज़रिया बन सकता है। कहा कि उस दरख्त के करीब भी ना जाओ। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वला तकरबु ज़िना, ये नहीं कहा ज़िना मत करो, बल्कि क्या कहा, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना के जो असबाब है ना, उससे भी अपने आप को बचाओ। वला तकरबुल फवाहिश, जो फहश काम है उसके करीब भी ना जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा फवाहिश मत करो, तो यहाँ भी अल्लाह ने यही बात कही, जो हराम का ज़रिया बनने वाली चीज़ें हैं उससे भी हमें बचना चाहिए। दरख्त के करीब जाना उस दरख्त को खाने का ज़रिया और सबब बन सकता था, इसीलिए कहा वला तकरब हादिश शजरा, उस दरख्त के करीब ना जाओ। फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन, वरना क्या हो जाओगे, ज़ालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुम शैतान अन्हा, शैतान ने इन दोनों को इसे फुसला दिया। देखिए शैतान को आदम अलैहिस्सलाम से बुग्ज़ और हसद पहले ही पैदा हो चुका था, इसलिए वो हमेशा ताक में रहता था कि किस तरह इंतकाम लिया जाए। बिलाखिर उसे मौका मिल गया, वो कैसे, नियमतों से भरी हुई जन्नत में सिर्फ एक दरख्त ऐसा था जिससे फ़ायदा उठाने से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रोक दिया था। इंसान की फितरत कुछ ऐसे वाक़े हुई है, जिस चीज़ से रोका जाता है इंसान उसी का हरीज बन जाता है। चुनांचे इब्लीस ने इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, आदम अलैहिस्सलाम को बहकाना शुरू कर दिया, झूठी कसमें खा खा करके उन्हें यकीन दिलाया कि तुम्हें जिस दरख्त से मना किया गया है ये शजरतुल खुल्द है, तुम्हें जन्नत में हमेशगी अता करने वाला दरख्त है, अगर तुम ये दरख्त खा लोगे तो कभी तुम्हें भूख और प्यास नहीं लगेगी, जन्नत से कभी निकाले नहीं जाओगे, बल्कि जन्नत में हमेशा हमेशा रहोगे। आदम अलैहिस्सलाम को ये गुमान भी नहीं हो सकता था कि कोई झूठी कसम खा सकता है, चुनांचे आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के चकमे में आ गए, वो दरख्त खा बैठे। देखिए बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल जो है दुनिया में हमारे सामने है, दुनिया की हर नियमत अल्लाह ने हमारे लिए मुबाह की है, गिनती की चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने हमें रोक दिया है। आज हम में से बहुत सारे लोगों का हाल ये है,
वो शैतानी वसवसों की बिना पर समझते हैं कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उन्हीं चीज़ों में हमारी कामयाबी का राज है। सूद से अल्लाह ने रोका है तो इंसानों का ख्याल यह है कि जिन चीज़ों से रोका है उसी में क्या है, हमारी कामयाबी का राज है। तो यही शैतान का काम है, जिन कामों से अल्लाह मना करता है उनको मुज़य्यन और ख़ूबसूरत बना करके इंसान के सामने पेश करता है। चुनांचे अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जिस दरख्त से मना किया था उस दरख्त के फ़ायदे बटाए, झूठी कसमें खा खा करके ये बावर करवाया कि यह शजरतुल खुल्द है, बिलाखिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त को खा लिया। क्या हुआ नुकसान? फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फी, शैतान ने उन दोनों को निकाल दिया। किससे? जन्नत से निकाल दिया। तो मालूम हुआ गुनाहों की वजह से नियामतें छीन ली जाती हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन الرجل لا يحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه, आदमी गुनाह की वजह से रिस्क और रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है। तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से गलती हुई, लग्जिश हुई उनसे। देखें, एक है गलती और एक है लग्जिश। अम्बिया इकराम से जो गलतियाँ होती हैं, अहले इल्म उसको गलती नहीं कहते हैं बल्कि लग्जिश कहते हैं। अम्बिया तो मासूम होते हैं, बिलखस्द और बिल इरादा कभी किसी नबी से गुनाह नहीं हो सकता है। तो ये जो है बिला खस्द और इरादे के, बिला खस्द और इरादे के एक लग्जिश हो गई उनसे, चुनांचे ये दोनों जन्नत से निकाल दिए गए। وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, हमने कहा उतर जाओ। तो अहले इल्म ने कहा कि ये जो इहबितु के जो अल्फाज आए हैं, दलील है इस बात की कि आदम अलैहिस्सलाम को जिस जन्नत में रखा गया था वो जन्नत ऊपर आसमान में है। तो ज़मीन पर जन्नत से निकालने के बाद आए, कहा कि इहबितु, उतरो, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, तुम्हारा बास का दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम जुम्मा के दिन जन्नत से निकाले गए थे, है ना? जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है जुम्मा का दिन है। इसी में आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, जन्नत में दाखिल किए गए और इसी में जन्नत से निकाले गए, जुम्मा ही के दिन। तो शैतान ने इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और फ़ायदा उठाना है। अब दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने तक कहाँ रहना है तुमको? इसी ज़मीन पर रहना है। फिल अर्ज़, कहाँ रहना है? इसी ज़मीन पर रहना है। देखिए, इसमें इस बात की तरफ इशारा है, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये आर्जी ज़िंदगी है। एक वक्त ऐसा आएगा ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने जो बात कही आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से, वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र, तुमको कहाँ ठहरना है? ज़मीन में ठहरना है। शेख सालेह उसैमिन रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, ला युमकिनुल अईशु इल्ला फिल अर्ज़ लिबनी आदम, इब्ने आदम के लिए ज़मीन के अलावा किसी और सैारे में रिहाइश मुमकिन नहीं है। इब्ने आदम के लिए ज़मीन के अलावा किसी और सैारे में रिहाइश मुमकिन नहीं है। जा सकता है लेकिन वहाँ, हाँ, जिंदगी नहीं है उधर। ऑक्सीजन वगैरह लेकर के जाना है, फलाह है फलाह है। कहा कि ज़मीन में तुमको रहना है। तो लिखते हैं, ला युमकिनुल अईशु इल्ला फिल अर्ज़ लिबनी आदम, इब्ने आदम के लिए ज़मीन के अलावा किसी और सैारे में रिहाइश मुमकिन नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, फ़ीहा तहयूना, इसी ज़मीन में तुम ज़िंदगी बसर करोगे, व फ़ीहा तमूतून, इसी में मरोगे, व मिन्हा तुखरजून, इसी से तुम निकाले जाओगे। तो ज़िंदगी है तो किस में? इसी ज़मीन में। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई। जब गलती का एहसास हुआ तो परेशान हो गए, इन्हीं समझ में नहीं आ रहा था कि किन अल्फाज में अल्लाह से मुआफ़ी मांगे।
इनकी ज़बान से कोई कलिमात अदा नहीं हो रहे थे, तो अल्लाह ने क्या किया, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَات, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَات, बस आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखे। गोया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने से पहले ये तालीम दी है, अगर कभी शैतानी बहकावे में या ख्वाहिशात नफ्स की वजह से गुनाह हो जाए तो क्या कर लेना है, तौबा कर लेना। अल्लाह ने वहीं सिखा के भेज दिया सब, तो इस्तिग़फ़ार भी सिखा दिया, तो इंसान उससे गुनाह हो जाता है। कुल्लू बनी आदम खता, तमाम औलाद आदम ख़ताकार है। गुनाह का हो जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है कि मुआफ़ी ना मांगे। तो فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَات, तो आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे। आदम अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत की वजह उनके यही कलिमात हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह ने ग़ालिबन सूरह अनआम वगैरह में किया है। वो कलिमात क्या है, रब्बना ग़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बाकी जिन रिवायतों में यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह देखा, उसके वसीले से उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, ये सब रिवायतें गैर साबित हैं, साबित नहीं हैं, सब मौजू रिवायतें हैं, इंतहाई ज़यीफ़ रिवायतें हैं। फ़ताबा अलैही, आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात सीखे, उन कलिमात के ज़रिए से तौबा की, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। तो मालूम हुआ तौबा कबूल करना और गुनाह माफ़ करने का इख्तियार किसको है, अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा किसी पीर या बाबा को तौबा कबूल करने का कोई इख्तियार नहीं है। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, यकीनन वो बहुत तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम करने वाला है। कुल नहबितु मिन्हा जमीआ, हमने कहा सब के सब उतर जाओ, सब के सब में आदम हव्वा इबलीस सबको ज़मीन पर उतार दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा पहले भी इहबीतु का लफ्ज़ आया है, फिर यहाँ से दोबारा इहबीतु के अल्फाज आए हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा पहले जो इहबीतु आया है वो जन्नत से आसमान पर उतारने का जिक्र है, यहाँ आसमान से ज़मीन पर उतारने का जिक्र है। देखिए ज़मीन पर इब्ने आदम की जो तारीख़ है अब यहाँ से आगाज़ हो रहा है, तो इब्ने आदम की एक तारीख़ है कहाँ, जिसका ताल्लुक आसमान से है। आसमान की तारीख़ हम लोग पढ़ लिए हैं, अब यहाँ से फिर एक नई तारीख शुरू हो रही है, कहाँ से, ज़मीन से। कहा इहबितु मिन्हा जमीआ, तुम सब के सब उतर जाओ। माफ़ी मांगने के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल नहीं किया, बल्कि कहा कि तुम्ही और तुम्हारी औलाद सबको ज़मीन में रहना है जिसकी खिलाफत के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, माफ़ी मांगने के बाद दोबारा जन्नत में नहीं रखा बल्कि दुनिया में भेज दिया, क्योंकि पैदा ही किया था ज़मीन की खिलाफत के लिए। अगर इंसान दोबारा जन्नत में जाना चाहता है, जन्नत से निकाल दिए गए हैं, तो हमारी मीरास क्या है, जन्नत से, जन्नत है जिनसे हमारे बाप निकाले गए हैं। अब अगर दोबारा उस खोई हुई मीरास को हासिल करना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा, उस हिदायत और रास्ते पर चलना होगा जो अल्लाह की तरफ से आए हैं। कहा फ़इम्मा यतीयन्नकुम मिन्नी हुदा, फिर अगर कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आ जाए, हिदायत सिर्फ वो है जो अल्लाह की तरफ से आए, लोगों की राय कभी हिदायत करार नहीं पा सकती। कहा कि जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, फमन तबिया हुदाया, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस पर ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। तो इंसान दुनिया में सिर्फ जीने और कमाने के लिए, माँ बाप बनने के लिए, औलाद पालने के लिए नहीं आया है, बल्कि दुनिया में इंसान को अल्लाह के हुक्मों का पाबंद किया गया है, ये अहकाम पैगंबरों के ज़रिए से हम तक
पहुंचते रहेंगे। कहा जो फमन तबिया हुदाया, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है उन पर, वला हुम यहज़नून, नहीं वो गमगीन और गमजदा होंगे। वल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयतिना, जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, ये आग वाले हैं, हम फीहा खालिदून, ये इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो मालूम हुआ इख्तलाफ दीन की वजह से मीराद मुनक़ते हो जाती है। दीन में इख्तलाफ की वजह से क्या हो जाती है? मीरास मुनक़ते हो जाती है। जो काफिर हों, अपने माँ बाप के दीन पर ना हों, वो मीरास से मुस्तहिक नहीं है, है ना? शरीयत का यही उसूल है ना, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बन सकता, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। तो यहाँ अल्लाह ने यही बात कही, वल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयतिना, जिन्होंने कुफ्र किया, हमारी आयतों को झुठलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। दीन के इख्तलाफ की वजह से क्या हो गया? मीरास, जो बाप की मीरास है उसे महरूम कर दिए, जन्नत नहीं मिलेगी। तो जाएंगे कहाँ? जहन्नम में जाएंगे, हुम फीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये हो गई औलाद आदम की एक तारीख, या औलाद आदम का एक सफ़र आसमान से ज़मीन पर। अब ज़मीनी जो सफ़र है, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए, कैसे नस्ल इंसानी का सिलसिला आगे बढ़ा, ठीक है, फिर बिगाड़ कैसे आया, फिर अंबिया अल्लाह ने जो भेजे हैं, तो बिल इख्तिसार जो है अगली क्लास में ईसा अलैहिस्सलाम तक का जो इंसानियत का जो सफ़र है ना, बिल इख्तिसार उसको मैं बयान कर दूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बियासत से कबल के कुछ अहम वाक़ियात, फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बियासत के बाद जो हमारी सीरत का सिलसिला है, ऐसे ही चलता रहेगा। आज के लिए इंशाअल्लाह इतनी बातें काफ़ी हैं। आज जो हमने जिन आयतों की तफसीर पढ़ी, इनमें मज़ीद आपको क्या क्या बातें समझ में आई, कोई नुक्ता, कोई बात समझ में आई हो आपको इन आयतों की रोशनी में? अर्श पर नहीं हो, वो क्या है, एक किताब है अल्लाह के पास अर्श पर, उस किताब में ये बात लिखी हुई है, इन्ना रहमती गलबत गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। तो अल्लाह के पास जो किताब है ना, उस किताब में ये बात लिखी हुई है। जिन्नात भी थे ना, जिन्नात को भी हुक्म मिला था, सजदे का हुक्म जिन्नात को भी दिया गया था। अल्लाह ने पूछा, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था, क्यों तूने सजदा नहीं किया? जैसे कुरान मजीद में वजाहत है ना कि ये हुक्म जिन्नात को भी मिला था बोल के। क्या एक कॉल है मुफस्सिरीन का, वो ठीक है, एक बात मुफस्सिरीन ने ये भी जिक्र की है कि इंसानों से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे, इब्लीस ये अपनी इबादत तक्वा शियारी की वजह से फरिश्तों के साथ रहता हो गया, ठीक है, जो जिन्नात का बाबा आदम है, मुमकिन है वो फरिश्तों के साथ रहता हो। जैसे सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया, मा मना अल्ला तस्जुदा इज़ा अमरतुका, जब मैंने तुझे सजदे का हुक्म दिया था, किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से रोका? तो मालूम क्या हुआ, सजदे का हुक्म सिर्फ फरिश्तों को नहीं था बल्कि जिन्नात को भी था, इब्लीस को भी ये हुक्म दिया गया था, ठीक है। ये कौल है, ये कौल है, कौन सा? नहीं, ये कौल है, ये मुफस्सिरीन ने अब्दुल गालिबन कुछ सहाबा से भी इस तरह के अकवाल
मैंने कुल नहीं, हदीस नहीं है, हदीस नहीं है। ऊपर भी तोबा कर ले, जमीन पर भेज दिएगा। पहले तोबा का जिक्र है, बाद में एहबितु का जिक्र है। एहबितु मिन्हा जमीआ, अब उतर जाओ सब, अब क्या होगा, तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी। हाँ, एक कौल ये है मुफस्सिरीन का, एक कौल ये भी है, पहले जन्नत से निकाल कर उन्हें आसमान पर रखा गया, ठीक है, तोबा की उन्होंने, फिर वहाँ से ज़मीन पर भेजेगा। लेकिन यहाँ और एक चीज़ जहन में रखें, अभी सजदे की बात हो रही थी। मुसलमान में गिरोह ऐसा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुलू आमीज़ अकायद रखता है, जिनका नबी के बारे में अकीदा है कि आप नूरी मखलूक हैं, आप क्या हैं, नूरी मखलूक हैं। गोया वो इस तरह से ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम नबी का मुकाम बढ़ा रहे हैं। मुझे यहाँ ये बताओ, अल्लाह ताला ने नूरी मखलूक को हुक्म दिया कि खाकी मखलूक को सजदा करें। आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए थे, किन का मुकाम ज़्यादा हुआ, मिट्टी का ना, खाकी मखलूक का ना। तो अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरी मखलूक साबित करता है तो इसमें आपकी फजीलत नहीं है, इसमें आपका ज़ाती कमाल कुछ साबित नहीं होता है ना। आपका ज़ाती कमाल यह है कि आप इंसान थे, फिर भी अल्लाह ने आपको वो मुकाम दिया, वो दर्जा दिया जो फरिश्तों को हासिल है। तो फरिश्ते मानेंगे तो आपकी सारी सीरत हमारे लिए ठीक ही रहेगी। कमाल क्या है आपका इसमें, अपनी ज़ाती कमाल, नूर से पैदा हुए हैं तो आपकी सीरत हमारे लिए मशाले राह उसी वक्त बनेगी। आपकी सीरत का कमाल उसी वक्त आएगा जब हम आपको इंसान मानेंगे, ठीक है। तो खाकी होना ये ऐब की बात नहीं है, खाकी होना ये ऐब की बात नहीं है, बल्कि ये फजीलत की बात है, ये फजीलत की बात है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आलिम आबिद से बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह ने आदम को इल्म दिया था, तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि किसको सजदा करें, आदम को सजदा करें, इल्म की वजह से। तो मालूम क्या हुआ कि फरिश्ते तो इबादत गुजार मखलूक हैं, आदम अल्लाह की इल्म वाली मखलूक हैं, तो मालूम हुआ कि आलिम आबिद से अफजल हैं। तो कहीं एक मसाइल है इन आयतों में, ठीक है। इल्म अल्लाह की सिफत भी है, सही है। क्या बोले, सबको भी इल्म है, ठीक है। जो इंसान क्या है, अल्लाह ने इंसान को ऐसा इल्म दिया है, वो एक पहलू से एक नतीजे तक चला जाता है। फरिश्तों को जो सिखाया गया है उतना ही, अब इंसानों का इल्म क्या है, अल्लाह ने उनके अंदर जो है क्या बोलते हैं वो तहकीक करना, जो रिसर्च है ना, वो वाला इल्म इंसान के पास है। क्या बोले, नहीं, जो इंसानों को है वो नहीं है। उस बारे में भी कोई वाज़े रिवायतें नहीं है, माफ़ी की मुद्दत के बारे में भी कोई वाज़े रिवायतें नहीं है। खाली दीना के अल्फाज आए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपके जो इस दर्स में, सुकूनत के भी माने समझ में आ गए और इस्तकरार के भी माने समझ में आ गए, ठीक है। और जो है जन्नत के ताल्लुक से जो है ठिकाना है, खाली दीना ने मावा, मावा आया, हाँ हाँ, मावा मावा, ठीक है, मावा के भी अल्फाज आए हैं। तो इसके माने क्या है, मावा ठिकाना, ठीक है, वो हमेशगी वाला ठिकाना है। वहाँ मावा के साथ जो है ना आपको खुलूद वगैरह के अल्फाज आएंगे, वो टेम्परवरी नहीं है, वो जो मावा है वो टेम्परवरी नहीं है, वो खुलूद वाला मावा है। जो मुअज्जिन जो है अपने के सबब जो है जहन्नम में जाएंगे, तो उनके लिए भी क्या मावा का ही लफ्ज है? वहाँ मावा के अल्फाज नहीं आए हैं। जो 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 अहले कुफ्र हैं
غالباً انہی کے لیے قرآن مجید میں ماوا کے الفاظ آئے ہیں. خزد ارادہ، دونوں ایک ہی مترادف الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، مترادف الفاظ ہیں. تو جانتے بوجھتے گناہ کرنا، قصد اور ارادہ کے معنی کیا ہے؟ عمدن جانتے بوجھتے گناہ کرنا ہے. یہاں ایک مسئلہ، اچھا ہے تو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے گمراہ کیا. ٹھیک ہے، میں یہاں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے، میں اس کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے، اللہ نے سورہ ناس میں فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ابلیس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے، کہاں؟ لوگوں کے سینوں میں. دل نہیں کہا گیا ہے، فی قلوب الناس نہیں کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ فی صدور الناس کہا گیا ہے. یہ جو صدور ہے دل کے لیے، اس کی حیثیت جو ہے نا چوکھٹ کیسی ہے، دروازے کیسی ہے. صدور کیا ہے؟ یہ صدور، یہ دل کے لیے اس کی حیثیت چوکھٹ ہے، دروازہ ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اتنی قوت نہیں دی ہے کہ وہ ہمارے ہاں دل پر قبضہ کرے. وہ کیا کرے گا؟ صدور کے پاس کھڑے ہو کر کے وسوسہ ڈالے گا. تو صدور میں نہیں جائے گا وہ، قلوب میں نہیں جائے گا، صدور تک جا سکتا ہے. اس کی رسائی کہاں ہے؟ کہ جو صدور ہے قلوب کے لیے ایک چوکھٹ کی طرح ہے، ایک دروازہ ہے، وہاں تک ہی جا سکتا ہے وہ، قلوب تک اس کی رسائی نہیں. ہاں، تو یہی چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہاں تو اللہ نے کہا کہ صدور الناس ہے، قلوب الناس نہیں ہے. تو اسی طرح ابلیس جو ہے جنت کے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا. جس طرح ہمارے صدور میں کھڑا ہو کر کے قلوب میں وسوسہ ڈالتا ہے. کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ صدور میں کھڑا ہوتا ہے، وسوسہ قلوب میں ڈالتا ہے. اسی طرح ابلیس نے ممکن ہے کھڑکی سے یا جنت کے دروازے کے چوکھٹ پہ کھڑا ہو کر کے اس نے وسوسہ ڈالا. اندر داخلے کا ذکر نہیں ہے، اس نے نافرمانی کی تو کہاں سے داخلہ ہے؟ اس نے سجدہ ہی نہیں کیا نا. کیا بولے؟ ہاں، تو اس لیے اس کے لیے جنت سے محروم رکھا گیا. ہاں، تو وہیں سے شروع کر دیا. فوسوسہ الیہ شیطان، اللہ نے کہا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے کیسے نکالا؟ اسی وسوسے کا سہارا لے کر. ٹھیک ہے، ہاں ہاں قرآن کیا آیت ہے نا وہ، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا نا، خواب تھا نا. خواب تھا نا، نبی کا خواب تھا نا، اور سابقہ شریعتوں میں اس کی گنجائش تھی. سابقہ شریعتوں میں اس کی سجدہ تعظیمی کی گنجائش اللہ نے رکھی تھی، بعد میں منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر سکتا ہے، جس حکم کو چاہتا ہے باقی رکھ سکتا ہے. اللہ نے جب تک چاہا باقی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ آخری شریعت ہے، آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. اس لیے آپ کی شریعت میں تمام چور دروازوں کو، جن کے ذریعے سے سابقہ شریعتوں میں شرک داخل ہوا تھا، ان تمام دروازوں کو آپ کی شریعت میں بند کر دیا گیا. کوئی ایسا دروازہ اوپن نہیں رکھا گیا جس سے ہوتے ہوئے امت شرک میں چلا جائے. صحیح ہے، تو یہاں سجدہ عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اگر حکم دیتا کسی کو کسی کے لیے سجدہ کریں تو یہ سجدہ تحیہ یا سجدہ تعظیم ہے. تو سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے
सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं किसी को हुक्म देता किसी के लिए सजदा करें, यानी सजदा तहिया या सजदा ताज़ीमी, सजदा तहिया बोलते हैं उमूमन उलमा। सजदा तहिया का मतलब क्या है? मुलाकात के वक्त अस्सलाम वालेकुम करने की बजाय सजदा कर देना, ठीक है, जायज़ था सबिका शरीयतों में, ठीक है। फेस्टिवल्स में नहीं, उसे बचना है, ये सब गुलू है, ताज़ीम में गुलू है। आज आप झुक के छूते हैं आपके आने वाली नस्ल सजदा भी कर देगी। कुछ रिवायतों में है कि जन्नत में इन्हीं औलाद हुई थी बोल करके, वो सारी रिवायतें साबित नहीं है, ठीक है। उनको वो अलग है, वो आलम अरवाह में, वो अभी आपकी रूह तो पैदा कर दी गई थी, ठीक है, वो आलम अरवाह का मामला है। सही है। क्या है वो जो हदीथ है, लोहे महफूज ही है, लोहे महफूज में ये चीज़ लिखी हुई है, क्या है, रहमती इन अल्लाह कतब फी किताब मौज़ूइन इंदहु फौक अल-अर्श, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जो उसके पास अर्श पर है, ठीक है, उसमें लिख दिया। बल्कि सही बुखारी में यही अल्फाज हैं, इन अल्लाह कतब किताबन क़ब्ल अन यख़लुक़ अल-ख़ल्क़, अल्लाह ने मखलूक को पैदा करने से पहले एक किताब लिखी, तो उसमें अल्लाह ने ये बात लिखी, इन रहमती सबक़त ग़ज़बी फ़ोह मकतूब इंदहु फौक अल-अर्श, ठीक है। तो गालिबन यही वही लोह महफूज हो जिसे अल्लाह ने मखलूक सब उसी में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये भी आपका ही था। नहीं, इस तरह के सब रिवायतें हैं, इस्लाही रिवायतें हैं, इस बारे में कुछ भी सही हदीसों में इसकी कोई वजाहत नहीं है। दोनों एक साथ उतारे गए, एक ही जगह उतारे गए, ठीक है। क्या बोले, इस तरह की भी कोई रिवायत नहीं है। क्या बोले, नहीं, इस तरह की कोई तफसीलात अहादीस पे नहीं है, इस तरह की कोई तफसीलात, कुछ इसराइली रिवायतों में इस तरह की बातें हैं, ठीक है, वरना अहादीस में इस बारे में कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। इल्ला है कि उस दौर में बहन बहन का निकाह जायज़ था, ठीक है, क्योंकि इंसानी तारीख का आगाज़ था, बस उतना ही रिवायतों में इसका जिक्र है। बाकी तफसीलात जो भी हैं, कुछ इसराइली रिवायतें हैं, अहादीस में इसकी कुछ भी तफसीलात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी वजाहत नहीं है। आदम अलैहि सलाम से लेकर ईसा अलैहि सलाम तक इंशाल्लाह तफसील में नेक्स्ट वीक और ज्यादा सुनेंगे, ठीक है। हां, बिल इख्तिसार तफसील में नहीं जाएंगे, और ये नई क्लास हो रही है। जिन्नत को नहीं दे सकते, जिन्नात को उनकी असली शक्ल में नहीं देखा जा सकता, जब वो शक्ल चेंज करते हैं तो देखा जा सकता है, ठीक है। जिन्नात जब उनकी अपनी असली शक्ल में होते हैं तो देखना मुमकिन नहीं है, ठीक है। जब वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं इंसानी शक्ल, खुद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस नहीं है, आकर के सदक़े फितर का अनाज जो है अपने इसमें भरने लगा था, तो वो इंसानी शक्ल में आया था। जब वो शक्ल बदलता है, कभी जानवरों की शक्ल में, सांप की शक्ल में, इंसान की शक्ल में आता है, तो उसे देखा जा सकता है, लेकिन उनकी असली शक्ल में देखना ये मुमकिन नहीं है। इसी वजह से कई, जिस तरह फरिश्तों का मामला भी है, फरिश्तों को उनकी असली शक्ल में हम लोग नहीं दे सकते। जब ये इंसानी शक्ल में आते हैं तो सहाबा ने भी देखा, दही अलगलबी की शक्ल में उमूमन आते थे। सांप वगैरह की शक्ल में आते थे ना, सांप को देखे तो मारने का तो हुक्म है, लेकिन
احادیث میں کہا تین دن مہلت دو بول کے ہے, یا تین بار مہلت دو, چلے جا چلے جا چلے جا بول کے, ٹھیک ہے, اس کو مہلت دیں. خصوصاً گھریلی سام جو سام گھروں میں آتے ہیں نا, ان کو فوراً مارنا نہیں چاہیے, مہلت دیں. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تین دن تک مہلت دیں گے, بعض احادیث سے لگتا ہے کہ نہیں تین مرتبہ بول دینا ہے ان کو, چلے جاؤ بھائی. کچھ بھی دعائیہ کلمات نہیں ہے, ٹھیک ہے, مہلت دینے کا ذکر ہے, تین بار مہلت دے دو اس طرح کے کوئی بھی کلمات بول کر کے.